नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के फतेहाबाद में बेखौफ बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर एक पेट्रोल पंप से 44,700 रुपए की लूट वारदात को अंजाम दिया। 3 अक्टूबर दोपहर को 3 बजे के बाद अंजाम दी गई इस घटना और वारदात का सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि बाइक सवार दो बदमाश मुंह ढक कर पेट्रोल पंप पर आते हैं और तेल डलवाने के बहाने पेट्रोल पंप पर रोकने के बाद पीछे बैठा बदमाश पिस्तौल निकालकर पेट्रोल पंप के कारिंदे के ऊपर तान देता है और बाद में उसे पेट्रोल पंप के ऑफिस की तरफ ले जाता है, जहां पर हवाई फायर कर आरोपी बदमाश 44,700 रुपये की लूट को अंजाम देकर बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए DSP सुभाष चंद्र ने बताया कि पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है। उन्होंने बताया कि रतिया इलाके में अशोका पेट्रोल पंप पर यह वारदात हुई और दो बदमाशों ने पिस्तौल दिखा करके हवाई फायर करते हुए 44,700 रुपये लूटे हैं। इसके लिए 5 टीमों का गठन कर छापेमारी की जा रही है। पलपल फतेहाबाद से राजेश आंबू की विशेष रिपोर्ट। हाँ, ये कल 3 तारीख की बात है, समय करीब 3 बजे की बात है। रतनगढ़ के पास एक अशोका पेट्रोल पंप है, वो उस पर दो लड़के मोटरसाइकिल सवार होकर चेहरा ढके हुए थे आए और पिस्टल पॉइंट पर 44,700 लूट कर ले गए। इसके अंदर से हमने 5 टीमें बनाई थी, तो इस पर मुकदमा को ट्रेस करने की हर संभव प्रयास और जल्दी। तो कितने जने थे सर ये? ये दो आदमी थे और चेहरे इन्होंने ढके हुए थे। तो क्या अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई सर? हाँ, फुटेज जरूरी है और फुटेज के आधार पर और वैसे भी जो है हम अपने उससे जो है ना 5 टीमें हमने जो रखी है और जल्दी कोई हवाई फायर वगैरह भी किया? हाँ, उन्होंने जो है ना दो हवाई फायर। और कितने पैसे ले गए सर? 44,700। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? FIR दर्ज कर लिया और इसके अंदर जो है ना जो को ट्रेस करने के लिए और अपने 5 टीमें हमने बनाई हैं जो अलग अलग